नीमो के लिए निकले और एक नीमो हमारे पास ऑलरेडी है। चुप रही। अरे नीमो साइड का, वो गटर में नहीं गिरने का, इधर आओ। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए जो चीज में देखने आई थी, यानी कि पेंगुइन को मैं पूरी कर चुका हूं। Hi guys, I'm Vartika and welcome back to Vibe with Vartika. और should I say vlog with Vartika? आज हम लोग साइंस सिटी में आए हैं और आज है vlog part 2. अगर आपने vlog part 1 नहीं देखा है जो कि रोबोटिक्स गैलरी का था तो वो यहाँ पे आई बटन में लिंक है, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। सो आज है डे 2 और हम लोग आए हैं एक्वेटिक गैलरी में। सो चलो एक्वेटिक गैलरी के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या क्या। हमारी दोस्त ईशा एकदम स्पोर्ट है, मैं आपको बताती हूँ। गाइस यहाँ से एक एंट्री है, ईशा उधर गई है। हाय ईशा, और वो यहाँ पे दिखता है नीचे। व्लॉग के लिए क्या क्या कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। गाइस थैंक यू, आ जाओ। थैंक यू ईशा, थैंक यू ईशा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी सारी ऐसी डिशेस के बीच में दो टुकड़े डाले, जगह नहीं पता अलग अलग। भारी मजा आ जाएगी 130 ml के साथ। 30 ml किसका? पानी का, पानी का। झूठ बोल रहा है। कहाँ रहते हो तुम? गुजरात में? हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये रही ये गाइस, आपको पता है इस मछली की एक साइड की आंख नहीं है, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसकी एक आंख नहीं है, दूसरी साइड ये घूमे ना, फिर मैं दिखा दी, इसकी दूसरी आंख है। आपने देखा इसकी एक ही आंख है, दूसरी आंख क्यों नहीं है? चलो मैं आपको बता देती हूँ, इतना मेरा पेट में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फिशेस ना इंटरनली जो ब्रीड जिसके साथ कंपैटिबल लेकिन वो उसको खा लेते हैं तो उसकी आंख खा लेती है क्योंकि उसको पूरे बॉडी में लोग खा नहीं सकते, उसकी आंख खा लेती है लिटरली। आपको कैसे कैसे चिंता है इसी की आंख को खा खा के। पलटना प्लीज, पहले पलटना, वापस पलटना, पलटी 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 पलटी। ये थैंक यू। देखो इधर से आंख है, इधर से हमारे डिजाइनर ने लगाया, दर्जी ने लगाया, इतने सुंदर है ना, बहुत प्यारे। आपको क्या लगता है जहाँ इतनी 15-20 साल She is chilling like a boss. ऑरेंज कलर की भी कितनी प्यारी प्यारी सी फिशेस है, कुछ अलग ही प्रिंट है भाई यार। भगवान जी भी कितने
आप लोगों को इन फिशेस का नाम पता है जो टेन से शेप मिलती है उनको क्या बोलते हैं? अगर आपको मतलब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इनके शेप से आपको एक अल्फाबेट समझ में आ रहा है, इनके शेप से आपको एक अल्फाबेट समझ में आ रहा है, उस अल्फाबेट से इन फिश की ब्रीड का नाम है। तो मुझे कमेंट से बताना अगर आपको ये फिश की ब्रीड का नाम पता हो तो। गाइस ये है जायंट मोरे फिश। गाइस आप भी देख रहे हो कितनी ज्यादा अलग टाइप की फिश है, एकदम चीता जैसी लग रही है एंड इनके लिए स्पेशली मटके बनाए हैं और ये मटकों में ही रह रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो वो तीन तीन चार चार एक ही मटके में रह रहे हैं एंड ये भी वो आई थॉट ये स्टैचू है जो यहाँ पे बैठी है ना, ये स्टैचू नहीं है, ये भी मूविंग है, ये भी मूविंग है। सी कैमोफ्लेज हो रही है एकदम इस पूरे वहां पर, वो सब एक साथ ही जाके रह रहे हैं, एकदम स्नेक जैसी फीलिंग आ रही है ना। भाई फिशेस की भी अपनी पूरी एक बिरादरी है, ये बैड फिश ऐसी लग रही है मुझे, फिशेस में भी बैड स्टाइल का, इतनी ही बड़ी फिश है। So guys, finally अब हम पहुंच गए जो चीज में देखने आई थी, यानी कि पेंगुइन को मैं पूरी बात चला। सी कितना मस्त लग रहा है ना, इनके हाथों पर से क्या बांध रहे हैं, इनके हाथों पर से सपोर्ट दे रहे हैं, ये बच्चे ने पेंगुइन के लिए यहाँ पे फिश लगाई है खाने के लिए। कैन यू सी दैट फिश? मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे छोटे वाले ये वाले पेंगुइन्स लेके आए, बट मैं आपको दिखा रही हूँ जो पेंगुइन मुझे देख रहा तो गाइज ये है टच पूल, यहाँ पे ये सारे एक्वेरियम्स खुले हैं, इधर से टच कर सकते हैं, इवन दो ये लोग अलाउ नहीं कर रहे बट कर सकते हैं। सी आई डोंट वॉन्ट टू टच दिस वाटर बट यहाँ पे लोग कर रहे हैं टच, क्लीनिंग भी हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्ली। वाओ ये स्टारफिश है गाइज, कैन यू सी इट, स्टारफिश है, सी चल रही है, वो चल भी रही है, काफी सारी स्टारफिशेस हैं यहाँ पे, सुंदर बनाया वो व्हाइट कलर का क्रैब जैसा भी है, दिख रहा है स्कॉर्पियो, नॉट क्रैब एक्चुअली बट स्कॉर्पियो। वाओ इन सबको हम टच भी कर सकते हैं, यहाँ पे पास में ही है। पता है ये टच पूल का एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा स्मेल आती है, लाइक जो बाकी सारे पूल्स थे ना वो सब बंद थे तो उनमें कोई भी स्मेल नहीं थी, बट यहाँ पे ये पूरा ओपन में है ना तो काफी स्मेली एरिया है, मुझे तो थोड़ा कम पसंद आया तो मैं इतना ही देख के बाहर निकल रही हूँ। बट अच्छा है, अगर आपको फिशेस अच्छी लगती है देन इट इज डेफिनेटली अ नाइस प्लेस फॉर यू, आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। गाइस अभी हमारे खतरों के खिलाड़ी इसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। गाइस एक करेक्शन है, ये स्कॉर्पियो नहीं है लॉबस्टर है, मुझे इसका गलत नाम पता था, ये लॉबस्टर है व्हाइट वाला। क्या और ये क्या करते हैं?
चल चुके दिखा, चुके दिखा। वो फ्रॉग्स भी है, ये फ्रॉग फिश है, बाप रे। इतनी ऑकवर्ड और गंदी पोजीशन में लग रही है ना ये। अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग। काफी डरावने लग रहे हैं। तो आज मैंने आपको काफी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज की फिशेस दिखाने की आज हमने साथ में काफी डिफरेंट वैरायटीज की फिशेस देखी। और पब्लिक में मैंने बहुत टाइम के बाद व्लॉग किया, और इतने सारे लोगों के बीच में व्लॉग करना एक तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो जाता है, और ये जो इतनी साइलेंस में मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ ना, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा कोई स्पॉट फाइंड करना, बिकॉज एक तो लोग आपको घूर रहे होते हैं, दूसरा काफी ज्यादा चल रहे होते हैं, तीसरा बहुत इंटरप्ट करते हैं। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये सब एक्वेटिक चीजों को करने का और देखने का बहुत ज्यादा शौक है। अगर आपने अभी तक वाइब विद वर्टिको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन ब्लॉग पार्ट 3 ऑफ साइंस सिटी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। तो गाइज अभी पूरे दिन का हम थक चुके हैं और फाइनली अभी 3 बजे जाके हम लोग कुछ खाने वाले हैं। उसके लिए अच्छा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे अंदर टिकोस बनाया है, काफी भीड़ है इसमें, तो चलो चलते हैं। जगह ही नहीं है कहीं बैठने की यहाँ पर।